हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल MZS वुड वर्क। और आज हम आपको बताने वाले हैं कटर मशीन की प्लेट कैसे बनाई जाती है। दो सूत वाली प्लाई की प्लेट है, ये 4 इंच वाला हमारा कटर है। तो इसकी जो प्लेट लगाई जाती है प्रॉपर तरीके से किस तरह से लगाई जाती है और इसको कैसे फिट किया जाता है, इस वीडियो में आज आप यही जानोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये 6 mm वाली है, 2 सूत वाली प्लाई है। जो आपकी इसकी लेंथ है वो कम्प्लीट 11 इंच है। चोली जो है ये आपकी 8 इंच है। इसकी जो आपकी हाइट है ये 11 इंच और 8 इंच है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस थल को आप आसानी से कैसे लगा सकते हैं। इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप कटर की थल लगाना काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कटर मशीन पर थल कैसे लगाई जाती है। तो ये हमारी पुरानी जो थल थी इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आपको जब भी ये देखें जो इसमें होल होता है वो किस तरह से होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इसमें होल करें तो अपना इसमें 4 mm वाले बिट से ही सुराख होते हैं, लेकिन उसमें पानी की सहायता पड़ती है। अगर आप इसमें होल कर रहे हैं तो नॉर्मली अपनी ड्रिल मशीन लें और यहाँ पर अपना एक कील से किसी चीज़ से निशान ले लें और उसके ऊपर वो बिट रख कर थोड़ा सा पानी डालकर आप सुराख काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब इसमें जो देखना है, देखो इसमें कटर के जब भी आप थल बांधते हो तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी टक्कर गुनिया में है या नहीं है, क्योंकि सारा खेल इसमें गुनिया का ही होता है। आप इस पर रंदा मार कर गुनिया में कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सारा काम गुनिया से जब स्टार्ट होगा आपका तो आखिर तक काम गुनिया में ही होता रहेगा। तो ये देखिए आप, हमारी टक्कर बिल्कुल ही गुनिया में है। तो अब इसी तरह से आपको ये भी टक्कर चेक कर लेनी है। और इस टक्कर अगर आपका इस वाली टक्कर में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो बातों थल लगने के बाद भी रंदा लगकर ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हमारी प्रॉपर गुनिया में ही है टक्कर। तो आपको अपना ये कटर खोल लेना है जब आप इसकी प्लेट लगाएं। तो इसमें ब्लेड लगा हुआ है हमारा, तो आपको ये इसे नीचे कर लेना है इसकी प्लेट को। उसके बाद अब आप, तो ये जो हमारी प्लेट है तो इसकी टक्कर हमारी बिल्कुल सीधी है याली। तो ये टक्कर हमारी गुनिया में है और ये टक्कर भी गुनिया में है, तो हमने ये दोनों चेक कर ली थी। तो ये बिल्कुल मैंने जो काटी है ये कटर से ही काटी है, इस पर रंदा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारी कंप्लीट गुनिया में है टक्कर। तो अब आपको जो निशान लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं, तो मैं काफ़ी सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा। अगर इस तरह से आप इसकी थल लगाते हो तो काफ़ी आसानी से इसकी थल लगा लोगे, काफ़ी जल्दी भी इसकी थल लगा लोगे। तो सबसे पहले तो आपको जो इस पर निशान लगाने हैं हमारी थल पे, वो लगाने हैं 1 इंची 1.5 सूत। तो इसी तरह से अगर बनाओगे ना आप थल तो 1 इंची पे हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। तो ये हमारा 1 इंची 1.5 सूत पर निशान लग गया। और इसी तरह से इसके ऊपर भी आपको 1 इंची 1.5 सूत पर निशान लगा लेना है। तो 1 इंची 1.5 सूत हमारा निशान यहाँ आ जाएगा। तो उसके बाद अब आपको इसको गुनिया से सीधा निशान उतार लेना है इस पर तरह से कुछ। अगर आप इस तरह से थल लगाते हो तो आपके थल में थोड़ा भी फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारा निशान उतर गया है, जो हमने इस टक्कर से निशान लिया है 1 इंची 1.5 सूत पर लगाया है। तो उसके बाद जो हमारा, अब हम इसको देखते हैं इसका सेंटर, अब इसका सेंटर करते हैं। इसका जो हमारी ये इस वाली प्लेट की जो लंबाई आ रही है ये 7 इंची 5 सूत आ रही है। तो अब इसी के हिसाब से हम इस पर निशान लगाते हैं 7 इंची 5 सूत। इसकी थल की लंबाई है उसकी 7 इंची 5 सूत है, तो हम यहाँ भी 7 इंची 5 सूत निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा जो निशान लग गया है 7 इंची 5 सूत पर लग चुका है। अब जो इसमें जगह बचती है इसको देखते हैं, 3 इंची 3 सूत। तो ये जो हमारी ये जो जगह बची है ये 3 इंची 3 सूत बची है। जो अब हमें इस पर जो मार्किंग करनी है वो करनी है आपकी 1 इंची 5.5 सूत पर, तो हमारा सेंटर आ जाएगा। तो 5.5 इंची पर हमें निशान लगा लेना है। तो जब आपका ये सेंटर हो जाएगा तो आपको इसे गुनिया से इसका निशान उतार लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से आपको ये निशान उतार लेना है। तो ये जो हमने निशान लगाया है इससे हमारा थल बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। निशान उतार रहे हैं, आपको यहाँ पर कील मार लेनी है। तो हम थोड़ी सी निशान के ऊपर कील लगा लेते हैं। तो आपको 20 नंबर वाली कील लगा लेनी है, इस पर लगा लेते हैं ये। तो आपको इसी तरह से अपना कीलें लगा लेनी है। तो आपको कुछ इस तरह से कीले लगा लेनी है इसमें। उसके बाद अपनी मशीन को रखना है और उसके बाद इसके बिल्कुल फेस में करके लगा देना है। आपको देख लेना है कि हमारा ये निशान पर आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमारा थोड़ा सा आउट है तो हम इसे अंदर को कर लेते हैं। तो ये हमारा इस टाइम बिल्कुल निशान पर रखा हुआ है। जो हमारे इसमें होल हैं, जो आप इसमें होल करोगे
तो उसी तरह से आपको इसके निशान उतार लेने हैं। इसको हाथ से थोड़ा सा पकड़ लेना, तो ये हमारे चारों निशान लग गए हैं। ये देखिए आप, इस तरह से हमारे चारों निशान आ गए हैं। तो अब हम इसमें होल करते हैं। तो इसमें आपको जो है, ये जो आपके होल हैं, इसमें आपको कील से बीच में सेंटर में सुराख मार लेना है। तो इससे हमारा जो है बिट प्रॉपर अपनी जगह पर रहेगा। इसमें अपना यही 4 mm वाले बिट से होल कर लेना है। तो ये हमारे चारों होल हो चुके हैं। तो अब हम इसको प्लेट में लगाते हैं। आपको ये 4 गिट्टी ले लेनी है। तो ये मैंने 4 गिट्टी अपना काट ली हैं। ये 2 सूत की प्लाई की ही गिट्टी हैं। तो इस तो सबका एक अपना अपना हिसाब अलग होता है थल बांधने का। तो मैं कुछ इस तरह से थल बांधता हूँ इसकी। तो अब मैं इसमें इनके सबके सेंटर में एक ये 2 mm वाले बिट से होल कर लेते हैं। तो ये हमारे चारों, इसमें चारों गिट्टियों में सुराख हो चुके हैं। तो अब जो हमें इसमें पेंच जो लगाने हैं, तो उसके लिए अब आपको गुर्जिस कर लेनी है। तो अपना ये बिट लगा लेना है आपको। इसमें आपको थोड़ा सा गुर्जिस कर लेनी है, ताकि हमारे पेंच का जो सर है वो आउट ना हो, वो बाहर ना हो, उससे प्रॉब्लम होती है। तो आपको अपना इसे हल्का हल्का चलाना है, ज़्यादा भी नहीं चला। तो ये हमारी गुर्जिस चारों होल पर हो चुकी है। तो ये हमें ये 1.5 इंची के पेंच ले लेने हैं जिप्सन वाले। तो उसके बाद अब आपको इस पे प्लेट रख लेनी है अपनी। इस तरह से जो हमारा सुराख है ना, ये आपका ये इसके यहाँ पर सेंटर पर आ जाएगा कुछ इस तरह से, देखो। तो ये काफ़ी मज़बूत होता है। तो मैं इसी तरह से लगाता हूँ, जो इससे मेरी पहली वाली थल थी उसमें भी इसी तरह से लगे हुए थे। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अपनी जगह काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा देखो ये रुकार है, तो इसी तरह से ये थल लगेगी। तो इसमें आपको चारों पेंच इसके अंदर को डाल लेने हैं। तो ये जो हमने जो ये गिट्टी काटी है ना, तो आपको ये अपने पेंच का जो है मुंह देखो इस तरह से कुछ इस पर रख लेना है, और उसके बाद ये पेंच को टाइट कर देना है। तो ये हमारा पेंच अच्छे से टाइट हो चुका है। इसी तरह से आपको चारों पेंच टाइट कर लेने हैं। पेंच प्रॉपर इस तरह इसी तरह से टाइट कर लेना है। तो अभी देखो वो जो गुर्जिस से आपका होता है, ये बिल्कुल अब अंदर हो गए, ये प्लाई के फेस में हो गए। तो मैंने जो जुगाड़ बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया है, ये 2 सूत की प्लाई है। तो अपने इसी पर ही मैं पेंच कस देता हूँ। तो ये देखो काफ़ी मजबूत हो गई, अपनी जगह से हिल भी नहीं रही। तो अब जो हम इसमें लगाने वाले हैं, आपको थोड़ा सा देखिए आप, काफ़ी इसे मजबूत करके पकड़ना है आपको। और अब हम देखते हैं कटिंग करके हमारी कटिंग कैसी हो रही है। तो अब हम एक प्लाई लेते हैं 19 mm वाली पे। हमने 19 mm वाली प्लाई ले ली है। तो अब हम इसकी कटिंग करके देखते हैं तो हमारी कटिंग कैसी आ रही है। तो ये देखिए आप, तो ये हमारा प्रॉपर गुनिया में पीस कटा हुआ है। ये कहीं भी आप रख के देख सकते हैं गुनिया को, ये प्रॉपर गुनिये में आएगा। तो कटर का जो मतलब होता है, इसकी थल बांधने का जो मतलब होता है, वो यही होता है कि हमारा काम स्टार्टिंग से, अगर हमारी थल गुनिया में बनी हुई है तो हमारा सारा काम गुनिया में ही आएगा। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि इसी वजह से ये थल आपकी गुनिया में नहीं आती है। अगर आपने किसी ने ये थल बांधी, अगर आपकी ये थल गुनिया में नहीं आती, तो उसके लिए आप क्या करें, तो ये आपका जो कटर मशीन है कुछ इस तरह से रख लें, और जहाँ पर आपकी गुब्बत गुनिया हो रही हो उसी तरह से आपको यहाँ पर पैकिंग रख लेने हैं दोनों साइड पर। जहाँ भी आप पेच कसोगे वहाँ पर आपको पैकिंग रख लेना है। तो अब हम आपकी थल बिल्कुल गुनिये में आ जाएगी। तो अब हम थल को चेक करते हैं, तो हमारे थल कितने इंची पर चल रही है। तो इसके लिए अब जो हम निशान लगाते हैं वो लगाते हैं सबसे पहले 3 इंच पर। तो आप ये हम 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं, और इसी तरह से हम 4 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो उसके बाद अब हम इस निशान को गुनिया से उतार लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इन दोनों निशानों को गुनिया से उतार लेंगे। तो यहाँ पर अब हमें कटर रखना है अपना, इसे भी गुनिया से उतार लेते हैं। तो अब जो हम देखते हैं,
हमारी थल कितने साइज पर चल रही है। तो अब हमने याला साइज पर अपना गुनिया पर रख लेना है और उसके बाद हम इसकी थोड़ा सा कट लगा के देख लेते हैं। ये देखिए आप, तो हमारी ये थल एक इंच पे चल रही है, तो पूरा निशान दिख रहा है। जो ये निशान दिख रहा है, अब हम इस पर इसकी टक्कर पर इतना रंदा मार लेंगे ना, आपको हमें वहाँ पर वो निशान दिख रहा था ना, आपको इस पर हल्का सा टिक मार लेनी है पेन के निशान को। तो अब हम देखते हैं फिर इसकी ट्रायल लेकर के। तो अब जो हम इसके वो लगाएंगे निशान, वो 6 इंच पे लगाएंगे। एक निशान हम 6 इंच पे लगा लेते हैं और दूसरा निशान हम 7 इंच पे लगा लेते हैं। इसी तरह से 6 इंच वाले निशान को हम इसको उतार लेते हैं। तो ये उतर गया हमारा निशान 6 इंच वाला भी, और ये उतर गया हमारा 7 इंच वाला भी। तो ये 7 इंच पे हमने ये बिल्कुल यहाँ गुनिया पर रख लिया है। उसके बाद हम फिर कटिंग करके देखते हैं इसकी। तो भाई ये प्रॉपर अब हमारा 1 इंच पे चल रहा है। ये देखना आप, 1 इंच पे प्रॉपर चल रही है। तो इसी तरह से अगर आप थल बांधते हो तो आपका बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। जो फ़र्क आएगा वो थोड़ा सा रंदा मार कर निकल जाएगा। सबसे आसान तरीका है थल बांधने का, ये जो हमने आज आपको बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप सीखोगे। अगर इस तरह से आप थल बांधते हैं, काफ़ी आसानी से इसकी प्लेट लगा सकते हैं और काफ़ी जल्दी आपकी ये प्लेट लग जाएगी। और मैं आपको नई नई जानकारियाँ और वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन जाएगी सबसे पहले आप। तो सबका तरीका अपना अपना अलग होता है प्लेट लगाने का, मेरा अलग होगा और आपका अलग होगा, लेकिन आप इस तरह से लगाएंगे तो काफ़ी इजीली लगा सकते हैं और काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं।